नमस्कार, मैं रोशन और आप देख रहे हैं जेट न्यूज़ डिजिटल मीडिया। कई खबरें सुनी होंगी इस चुनाव के बीच में, तो कई जगह वाद विवाद भी सुना होगा। मैं बात महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव की कर रहा हूँ। महाराष्ट्र की और हरियाणा चुनाव में कई अटकने लगाई गई और कई अटकने सीधी भी थी। जब 21 तारीख को चुनाव हुआ था उसके बाद लगातार न्यूज़ चैनलों ने एग्जिट पोल भी दिया था, पर अब बता देता हूँ विस्तार से कहाँ के एग्जिट पोल सही थे और कहाँ कहाँ एग्जिट पोल खराब हुए। मैं ये भी बता देता हूँ कि कहाँ पे किसकी सरकार बनने को तैयार है और कहाँ पे अभी भी दाव पेच लगातार जारी है। पहले मैं महाराष्ट्र से शुरुआत करता हूँ। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना और कांग्रेस, तीन ऐसी पार्टियां थी जिन पर सबकी निगाहें थी। एनसीपी कांग्रेस के समर्थन में थी और जो शिवसेना थी वो बीजेपी के समर्थन में थी। अब बता देता हूँ 2014 और 2019 में क्या खास था। 2014 में जहां बीजेपी को 145 सीटें थी, इस बार वो 100 तक सिमट के रह गई। कारण क्या था ये बता देता हूँ। कारण ये था कि बीजेपी के जितने बड़े सांसद और लोकसभा स्पीकर समेत कई जो बड़े नेता थे उन सबको हार का सामना करना पड़ा है। वहीं शिवसेना में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 65 से अधिक सीटें निकाल ली है। इसके बाद मैं आ जाता हूँ कांग्रेस और एनसीपी पे। इस बार एनसीपी आगे रही कांग्रेस से, मतलब जहां पिछली बार कांग्रेस को 42 सीटें मिली थी इस बार 45 सीटें मिली है, मतलब 3 सीटों का इजाफा रहा है। वहीं शिवसेना को 62 सीटें पिछली बार मिली थी, इस बार 70 के लगभग अनुमान लगाए जा रहे हैं। मतलब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों ने अपने सीटों के फेर में कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है। परंतु बीजेपी से एक बार फिर से निराशाजनक खबरें आई कि बीजेपी पिछली बार 145 सीट जहां मिली थी वहीं इस बार उसको 100 सीटों से लगभग मिलने वाली है। अब मैं बात करता हूं इसमें किस किस की मुख्य रूप से हार हुई। सबसे बड़ी सीट थी कांग्रेस प्रवक्ता की। कांग्रेस प्रवक्ताओं में इस बार दो बार हारे सुरजवाला, पहले विधान लोकसभा हारे उसके बाद अब विधानसभा भी हार गए। मतलब एक ही साल में उनको दो हार मिली है। लगातार सुरजवाला कांग्रेस से सक्रिय थे और लगातार उनके अच्छे प्रवक्ता हुआ करते थे, इस बार वो दोनों जगह से हार गए हैं। अब मैं आ जाता हूँ हरियाणा पे। हरियाणा का बहुत अलग माहौल रहा है। हरियाणा अपने विवाकियत के लिए फेमस है, तो मनोहर लाल खट्टर की बात करता हूँ। मनोहर लाल खट्टर को करीब 1 बजे दिल्ली बुलाया गया था। दिल्ली किस लिए बुलाया गया है इस बारे में बता देता हूँ। इस बार कुछ अलग माहौल रहा है हरियाणा का। हरियाणा के फेर बदल में एग्जिट पोल भी फेल रहा है। अगर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया, आज तक, ABP, हर कई बड़े चैनलों की बात करूँ तो वहाँ पर इस बार जो एग्जिट पोल थे उसमें बीजेपी को 70 के करीब सीटें मिलने की अनुमान लगाई गई थी। परंतु इस बार हुआ ये कि बीजेपी को मात्र 37 सीटें मिल पा रही हैं। अभी तक जो एग्जिट पोल मेरे सामने आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि बीजेपी को 37 सीटें मिल पाएंगी। वहीं कांग्रेस भी इनसे ज़्यादा पीछे नहीं है, मतलब 35 की करीब ये भी सीटें पा रही हैं। परंतु एक पार्टी जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं वो है JJP। JJP के सामने 11 या 12 सीटें हैं, मतलब JJP 12 सीटें जीत चुकी है। और जब JJP के बस अब ये फैसला करना है कि किसका समर्थन करती है। परंतु उस समय मनोहर लाल खट्टर को बुलाया गया है। आपने TV शो में कई देखा होगा कई बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं कि अभी भी हम बहुमत आ जाएगी। परंतु एक समय ऐसा था जब बीजेपी को बहुमत थी, वो समय था 2014 का इलेक्शन। 2014 में बीजेपी के पास 47 सीटें हुआ करती थी। उस समय उन्होंने एक तरफा बहुमत हासिल किया था। एक तरफा बहुमत इसलिए क्योंकि हरियाणा में 90 सीटें हैं, 90 में से जिसको 45 या 46 सीटें मिल जाएंगी उसको बहुमत साबित करना होता है। वहीं पिछली बार बीजेपी को 47 सीटें थी, इसलिए बीजेपी अपना बहुमत साबित कर चुकी थी। परंतु इस बार बहुमत के फेर बदल में काफी अलग हुआ है। कांग्रेस के पास 35 के लगभग सीट होंगी, बीजेपी के पास 37 के लगभग सीट होगी। वहीं JJP जो इस वर्ष मुख्य पार्टी बन के आ सकती है उसके पास 12 सीटें होंगी। अब मतलब JJP को डिसाइड करना है कि क्या करेगी। परंतु अभी तो जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सोनिया गांधी का ट्वीट आया है या सोनिया गांधी ने पहले जो कहा है, परंतु जो JJP के नेता है चौटाला, उनको सोनिया गांधी से बात हुई होगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि सोनिया गांधी ने कहा है जो आपका फैसला होगा वह सर्वमान्य होगा, मतलब जो आप फैसला देंगे और जो फैसला कहेंगे वहीं हम मानेंगे। मतलब कांग्रेस पूरा मूड बना चुकी है किसी तरह से सत्ता में आए हरियाणा में और बीजेपी को हराए, इसलिए वो शायद चौटाला के पार्टी में से किसी को मुख्यमंत्री का दावेदार मान सकती है और मुख्यमंत्री बना सकती है। ये थी चुनाव की अपडेट जो हरियाणा और महाराष्ट्र में चली। हम कुछ देर हुए, कुछ सवेर हुए, पर आपके सामने एक समरी बॉक्स लेके आए जिसमें हर चीज़ आपको बताई गई, कहाँ की पार्टी जीती, कहाँ की पार्टी हारी, कितना नुकसान किसको हुआ और कितने फायदे में कौन सी पार्टी पहुंची। ये था अपडेट जो सुबह से मेरी टीम लगातार इस पे कवर कर रही थी, 2014 के आर्टिकल पढ़ रही थी और 2019 के मैं भी खुद पढ़ रहा था। इसके बाद हमने एक टीम ने एक मैप बनाया जिसको मैंने समरी कहा, सारांश जो हिंदी में कहा जाता है, वो सारांश मैंने दिया दोनों चुनाव के। तब ये थी अपडेट दोनों चुनाव की। तब तक के लिए अब धन्यवाद। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।